हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर वेल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा मैजिकल हेयर सीरम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, डैमेज हैं, आपके बालों में कलर वगैरह आपने करवाया, फिर कोई ट्रीटमेंट करवाया जिसके कारण बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए, इसके साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, या फिर आपको ये लगता है कि आपके बालों की ग्रोथ कहीं रुक सी गई है, आपके बाल बढ़ने बंद हो गए हैं, तो आज का ये वीडियो अगर आप देख लेते हो ध्यानपूर्वक एंड उसको एज इट इज़ जिस प्रकार वीडियो में बताते वैसे अगर फॉलो करते हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके बालों की इन सारी प्रॉब्लम को ये जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हेयर सीरम है उसको ठीक करेगा। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए अगर आज की, तो आप बालों को लेके कोई ना कोई समस्या आपको हर दूसरे इंसान में मिल जाएगी। जी हाँ, कारण क्या है? कारण देखिए, आपके बालों की जो प्रॉब्लम है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे जो मेनली जो कारण होता है वो क्या होता है कि हम अपने बालों का ध्यान अच्छे से नहीं रखते। इवन इसके साथ ही साथ हम ऑयलिंग समय पे नहीं करते। सप्ताह में कम से कम आपको 2 बार बालों में तेल ज़रूर लगाना चाहिए, बालों की साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट में कोई भी नया ऑयल आया, कोई भी नया शैम्पू आया है, तो उस पर विश्वास करके आप पहले वाले अपने शैम्पू को चेंज कर देते हो, ऑयल को चेंज कर देते हो, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सूटेबल भी होता है। तो कई बार ये एक सिंपल कारण है। लेकिन जो दूसरे कारण क्या है कि हमारी जो हम जिस एरा में जी रहे हैं वहाँ पे जो हवा है या जो पानी है, बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर आ रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एयर हो रही है, यानी कि जो हवा है काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी या काफ़ी ज़्यादा उसमें जहरीली गैसें होती हैं जो कि हमारे बालों को डैमेज कर देती हैं। इनमें से अगर कोई कारण है तो अगर आप इसको या इस सीरम को अपनी ऑयलिंग के साथ साथ अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो डेफिनेटली 100% वर्क मिलने वाले हैं। तो उसके लिए चलिए उसके लिए देख लेते हैं कि उसको हमें किस प्रकार फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं विटामिन ई का इस्तेमाल। जी हाँ, विटामिन ई एवियन 400 mg आपको मार्केट में आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले आपको एक बाउल लेना है, उसमें आपको ऐड करना है 1 विटामिन ई का कैप्सूल एंड उसमें हमें ऐड करना है नारियल का तेल तकरीबन 1.5 चम्मच। अगर आपके बालों की ज़्यादा लेंथ है, बहुत हैवी वॉल्यूम है, यानी बहुत बाल आपके घने हैं, तो आप क्वांटिटी उस हिसाब से बढ़ा सकते हो। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल एंड इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करें। आपको ऐड करना है यहाँ पर 2 से 3 चम्मच रोज़ वाटर। जी हाँ, रोज़ वाटर भी बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। अगर आपके बालों में डैंडर वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे आधा नींबू भी मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। आप देखोगे ये जो बैटर है ये पूरा एक क्रीम की कंसिस्टेंसी में आ गया है एंड आपको अगर ये क्रीम थिक लग रही हो तो इसको थोड़ा सा पतला कर लें। दोस्तों, विटामिन ई एक बहुत ही पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे बालों को यानी हेयर फॉल को रोकता है, बालों को मजबूती। इसके साथ एलोवेरा जेल हमारे बालों को डीपली मॉइस्चराइज करता है, हेयर फॉल को रोकता है। रोज़ वाटर हमारे स्कैल्प के पीएच को मेंटेन करता है ना। आप जब भी अपना हेयर वॉश करते हो हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर से जरूर करना अच्छे रिजल्ट के लिए। उसके कम तकरीबन 1 घंटे पहले आपको अपने बालों की सेंटर पार्टिंग करनी है। छोटे छोटे सेक्शन लेके आपको पूरे, पहले तो इसको आपको स्कैल्प में अप्लाई करना, उसके बाद आपको टिप से लेके रूट तक अप्लाई करना है अच्छे से। उसके बाद अप्लाई करने के बाद इसको छोड़ देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद आपको पहले पानी से पूरे बालों को अच्छे से वॉश करना। उसके बाद याद रहे अगर हो सके तो उस दिन सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश करें, इसको छोड़ दें। वैसे इसके नेक्स्ट डे शैम्पू करें, लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है इतना सब तो आप तुरंत शैम्पू यूज़ कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा केमिकल, सल्फेट, पैराबेन, सिलिकॉन वगैरह वाले जो शैम्पू आते हैं बहुत ज़्यादा फैंसी बॉटल्स में, उनको ना यूज़ कीजिएगा। किसी हर्बल शैम्पू का यूज़ कीजिएगा जो कि उतना ज़्यादा बालों को चमकदार नहीं बनाते लेकिन फिर भी उनमें केमिकल्स नहीं होते हैं। तो उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि जैसे आंवला, रीठा, सीका का युक्त हर्बल शैम्पू आते आप उनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो, सतरीठा सीका का युक्त एक शैम्पू का रिव्यू है, वो आप शैम्पू चूज़ कर सकते हो।
उस शैम्पू को लेके थोड़ी सी क्वांटिटी से हेयर वॉश करें, हफ्ते में कम से कम 2 बार करें। अच्छे रिजल्ट के लिए आप 3 बार भी इसको यूज़ कर सकते हो, उसका कोई नुकसान नहीं। आप लगातार 4 वीक इसको यूज़ करके देखिए, विश्वास कीजिए आपके बालों की काया पलट करके रख देगा। लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। क्या करना है, ऑयलिंग आपको रेगुलर करनी है बालों में, जैसे कि हफ्ते में हम 2 या 3 बार आप करते हैं, आप जिस भी ऑयल के लिए कंफर्टेबल हो। एंड इसके साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे, बहुत ज़्यादा रफ हैं, तो आप इसको यूज़ करिए। आपके साथ इस रेमेडी को मेल एंड फीमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं। 12 साल से कम एज वाले बच्चे इसको ट्राई ना करें। तो दोस्तों एक बार विश्वास पूर्वक इसको यूज़ कीजिएगा, आप रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो, मेरी जानकारी पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।